जय हिंद। करंट अफेयर की सीरीज के दौरान आज हम देखेंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, जो हमारे देश में परंपरा है कि हर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कोई ना कोई अतिथि जरूर आते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि उन तक हमारे सारे वीडियो आसानी से पहुँचते रहें। आइए आते हैं अपने पॉइंट पर, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। देखिए नंबर एक, तो सबसे पहला है 26 जनवरी 2022। तो 26 जनवरी 2022 को इस बार कोई भी अतिथि नहीं आए थे और इस वर्ष की थीम रहेगी इंडिया एट द रेट 75। क्या रहेगी? इंडिया एट द रेट 75। इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उनको सुनिए। इस वर्ष 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी झांकी है? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी। कौन सी झांकी है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सुनिए, 2021 की जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें भी कोई भी अतिथि नहीं आया था, ठीक है? क्योंकि 2021 में आपको पता है कोविड-19 चल रहा था, कोविड-19। अगला देखिए 2020, 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था जायर बोल्सोनारो। क्या नाम था? जायर बोल्सोनारो। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश, ठीक? तो इतने वर्षों के आपको ये अतिथि ध्यान रखने हैं। फिर से रिकॉल करते हैं, 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे जायर बोल्सोनारो, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील को सांपों का देश कहते हैं, ठीक है? और विश्व की सबसे चौड़ी नदी जिसका नाम है अमेजन, वो भी कहाँ प्रवाहित होती है? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। इसके बाद 2021 में कोई भी अतिथि नहीं, 2022 में भी कोई भी अतिथि नहीं आया था। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है भारतीय नोट। भारतीय नोटों का रंग कैसा है और उन पर छपे हुए चित्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी कभी कभार प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नोट है 10 रुपये का, है ना? तो 10 रुपये के नोट का जो रंग है वो है चॉकलेटी ब्राउन। कैसा है? चॉकलेटी ब्राउन। और इस पर चित्र काहे का बना है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप बताइए कोणार्क कौन से स्टेट में है, ठीक है? यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले बार देखिए 20 रुपये का नोट, ये हरित पीला है और इस पर है चित्र बना है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है? और एलोरा की जो गुफाएं थी वो राष्ट्रकूटों ने निर्मित करवाई थी। किसने निर्मित करवाई थी? राष्ट्रकूट वंश। कभी मौका मिलेगा तो इतिहास पढ़ाएंगे और उसमें पूरी जानकारी देंगे राष्ट्रकूट वंश की। उसके बाद देखेंगे 50 रुपये का नोट। 50 रुपये का नोट है फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का। कैसा? फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का। और इस पर जो चित्र बना है वो है हम्पी का। हम्पी का जो पत्थर है ना, हम्पी का जो पत्थर है उससे बना हुआ रथ, रथ बना है इस पर, ठीक? आप बताइए हम्पी कौन से स्टेट में है? क्या बताना है? हम्पी कौन से स्टेट में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 100 रुपये। 100 रुपये का कलर है लेवेंडर कलर। कैसा है इसका कलर? लेवेंडर कलर। और इस पर बनी है रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात में है और इसको यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला हुआ है। गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और कच्छ का रन साबरमती आश्रम है ना, जिसकी स्थापना 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी, ठीक? ये भी ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म
पोरबंदर गुजरात में हुआ था, काठियावाड़ जनपद में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। और महात्मा गांधी जी का जो निधन हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के गोली मारने के उपरांत प्रार्थना सभा में गोली मार दी थी गांधी जी के, तब गांधी जी का निधन हो गया। ठीक, आप बताइए गांधी जी की कौन सी पत्रिका भारत से बाहर लिखी थी, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका भारत से बाहर लिखी थी, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। अगला पॉइंट देखिए, 200 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो कलर का है और इस पर सांची स्तूप बना है। कौन सा स्तूप बना है? सांची का स्तूप बना है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 500 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट ये स्टोन ग्रे कलर का है। कैसा है? स्टोन ग्रे कलर का और इस पे लाल किला बना है। क्या बना है? लाल किला। लाल किला कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसके साथ ही साथ ये और बताइए कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। आगे चलते हैं, 2000 रुपये का नोट, इसका कलर है मेजेंडा। कैसा कलर है? मेजेंटा, ठीक है। और इस पर बना है मंगलयान। क्या बना है बोलो? मंगलयान। ठीक, तो आज हमने आपको ये दो पॉइंट, दो टॉपिक बताए हैं। इन दोनों टॉपिक को आप ठीक से नोट करके और तैयार कर लीजिए। और आगे अगला पॉइंट या अगला टॉपिक हमारा होगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, डेली वीडियो पूरी देखा करें और नोट्स बनाते चलें, देखिए आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर हो जाएगी, करंट अफेयर आपकी बहुत शानदार हो जाएगी, तब तक आपकी परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, ऐसी संभावना, ऐसी कामना के साथ अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं और मुहिम को ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपें। थैंक यू वेरी मच।